तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं फिलहाल शाम के 7:26 हो रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे रखा हुआ है पूरा सामान। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल लखनऊ ना बारिश पाक की दरगाह पे, है ना। तो मतलब बता देंगे आपको, कुछ लोग जानते नहीं ज़्यादातर, तो आपको बता देंगे। तो अभी फिलहाल आज हमारी ट्रेन 9 बजे, तो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं निकलने की तैयारी स्टेशन के लिए। फिर आपसे मिलते हैं आगे जान के। एंड अभी फिलहाल हम आप सीधे मिलते हैं स्टेशन, क्योंकि यार हम लोग बहुत बहरा वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि लेट भी हो रहा है। इसलिए फिलहाल सबसे पूरा हो चुका है पैक, एंड ये भी लेके आने वाला हूँ अभी तो फिलहाल मैं स्टैंड, क्योंकि आप व्लॉग वगैरह बनाना पड़ेगा इसलिए। तो अभी फिलहाल मिलते हैं आपको आगे जान के, स्टेशन पे मिलते हैं सीधा। अभी गाइस फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में, एंड बैठ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं फिलहाल, निकल चुके हैं यहाँ से ग्वालियर से। देखो यार कितना अंधेरा हो रहा है फिलहाल, ट्रेन खड़ी है बगल में। एंड अभी हम फिलहाल निकल चुके हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस से। ये देखो फिलहाल हम खा रहे हैं यहाँ पे बोर, क्योंकि ये ट्रेन बहुत तेज हो चुकी है स्पीड, एंड अभी बहुत अंधेरा हो रहा है गाइस। ये देखो सामने, एंड ये देखो इधर से अंधेरा अंधेरा बहुत हो रहा है यार। फिलहाल मेन सिटी ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर की मेन सिटी जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं फिलहाल। एंड ये देखो अंधेरा कितना हो रहा है। फिलहाल हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे वेज पुलाव, घर से बना के लाई थी मम्मी, तो अभी फिलहाल ये भी खाते हैं अपन। तो गाइस देखो कितना अच्छा लग रहा है, लिटरली व्यू, रात का नज़ारा बड़ा अच्छा लग रहा है। हम आपको दिन में भी दिखाएंगे सफर करके। फिलहाल हम लोग आए हैं डबरा, देखो सीन अभी फिलहाल स्टॉप हो रहा है यहाँ पे डबरा में। देखो गाइस अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एंड कितना मस्त लग रहा है फिलहाल, आप लोग देख सकते हो वंदे भारत के ऊपर बनाया कुछ प्रोजेक्ट टाइप का। एंड अभी फिलहाल खली हुई सामने ट्रेन, एंड अभी हम जा रहे हैं फिलहाल अपनी जगह पे। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं कानपुर सेंट्रल, एंड फिलहाल पूरी ट्रेन भरी हुई है। गाइस फिलहाल हम लोग घूमे हैं कानपुर पुल के पास, कानपुर नदी है कुछ यहाँ पे, नाम पता नहीं है मेरे को। देखो यार कितनी गहराई है, आप लोग खुद ही देखो कितना गहरा है, सूखा हुआ है इसलिए आप लोग देख सकते हो कितनी गहराई है। तो अभी गाइस फाइनली हम आ चुके हैं लखनऊ पे, एंड अभी फिलहाल हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे इस कैफे वगैरह जो भी है रेस्टोरेंट, यहाँ पे लेने आए हुए हैं फिलहाल दाल, क्योंकि सब्जी वैसे ही होती है आपको पता है। तो अभी फिलहाल हम लोग बहुत लेट हो चुके थे, एंड हम आपको पूरी बताएंगे स्टोरी, हम कैसे आए कैसे नहीं आए वो आपको बाद में बताएंगे। इतना प्यारा लग रहा है, ये देखो भाई हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं फिलहाल, एंड 9 बजे के आसपास हमारी बाराबंकी की ट्रेन है, तो हमें लखनऊ से सीधे निकलना है बाराबंकी। तो हम आपको पूरी स्टोरी बताएंगे हम लोग कैसे आए कैसे नहीं आए, क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं आई, तो आपको वो बाद में बताएंगे। तो अभी फाइनली गाइस हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए दाल, एंड अभी हम फिलहाल स्टेशन पे। ये देखो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे लंच, एंड अभी हम लोग हैं फिलहाल लखनऊ रेलवे स्टेशन पे। तो अभी फिलहाल ये खाते हैं अपन। May I have your attention, please? Train number 15910, Avadh Assam Express from Lalgarh Junction by Moradabad Bareilly गाइस हम लोग यहाँ पे कर रहे थे फिलहाल अपनी ट्रेन का वेट, एंड सामने आ चुकी थी एक ट्रेन जो हम आपको दिखा रहे थे जूम करके, तो बहुत सारी भीड़ हो रही थी यहाँ पे, हम लोगों को लगा कि बहुत भीड़ ना हो, फिर हम लोग अच्छे होते फाइनली ट्रेन में, ट्रेन यहाँ से निकल भी चुकी थी। और नज़ारा देखो कितना अच्छा है, लखनऊ से हम लोग जा रहे थे बाराबंकी, एंड कुछ ही देर में आई थिंक आधे घंटे में पहुँच चुके थे लखनऊ। फिलहाल आगे दिखाते हैं आपको कैसा माहौल रहा, कैसा माहौल नहीं रहा, क्योंकि हम लोग झांसी से बैठ रहे थे लखनऊ के लिए, तो इतनी ट्रेन इतनी भर की ट्रेन आई थी क्या बताऊँ मैं। तो अभी गाइस फाइनली हम आ चुके हैं बाराबंकी पे, एंड अभी मैं आपको बहुत कुछ थोड़ा बहुत दिखाया जैसा हमको बना जैसा बनाया। तो अभी फिलहाल हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन पे, एंड अभी हम लोगों को ऐसे निकलना है देवर शरीफ के लिए। तो अभी गाइस फाइनली हम आ चुके थे देवर शरीफ पे, एंड अभी बज रहे हैं फिलहाल 6 बजने वाले हैं, तो अभी जाने वाले हम दरगाह पे। तो हम आपको दिखाते हैं वहाँ का माहौल, क्योंकि यार एक और वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे अंदर जो मज़ार बना हुआ है वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, तो हम बाहर का आपको दिखाएंगे पूरा, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं जानते कैसा क्या रहता है कैसा क्या नहीं रहता, तो हम आपको पूरा बताते हैं। एंड अभी जो डेट है वो हो रही है फिलहाल 22 मई, तो हम लोग निकले थे ग्वालियर से 20 तारीख में, तो लिटरली हमको 2 दिन लग गए यहाँ पे आने में, क्योंकि हम लोगों को वहाँ बैठना ही पड़ा, रहना भी पड़ा, बहुत दिक्कत आ रही थी इसलिए। तो अभी फिलहाल हम लोग जाते हैं दरगाह पे, आपको दिखाते हैं वहाँ का माहौल। तो अभी गाइस फिलहाल हम लोग जा रहे हैं दरगाह पे, एंड ये है यहाँ की मार्केट देवा शरीफ की, फिलहाल अच्छी है, लेकिन यहाँ की हैं ये होटल हैं फिलहाल, यहाँ की हैं ये होटल हैं फिलहाल, एंड यहाँ मिलता है ये सब सामान पकौड़ी वगैरह।
के आ चुका है फाइनली दरगाह का गेट, मेन गेट है ये, सामने जो गेट है फिलहाल मेन गेट है। एंड अभी हम कर रहे हैं फिलहाल एंट्री, यहाँ पे मिलता है फिलहाल चादर वगैरह, हमने कर ली है फाइनली एंट्री, आ चुकी है सामने दरगाह, फिलहाल एंट्री करते ही जस्ट सामने है दरगाह। मैं फिलहाल वारिस पाक की दरगाह, यहाँ हम फिलहाल घूम रहे हैं, भीड़ बहुत है आज। अब यहाँ पे सब कुछ रहता है यहाँ पे दरगाह का, ये है फिलहाल पीछे का गेट, अबू धाबी की मस्जिद है वैसा है पूरा सीन। सामने आ चुका है फिलहाल मस्जिद का गेट, यह है मस्जिद एंड ये है बैक साइड का दरगाह का सीन, देख सकते हो आप फिलहाल ये है मस्जिद। यहाँ पे फिलहाल वजू बनाने की जगह है, बस इतना ही है यहाँ पे। एंड आपको दिखाते हैं फिलहाल, जितना हम लोग दिखा पाएंगे उतना आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इंडिया दरगाह पीछे का साइड, एंड यहाँ पे है वजू खाना। तो अभी गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ दरगाह के अंदर, तो आपको मिलता हूँ फिलहाल मैं दरगाह से बाहर आने के बाद। तो गाइस फिलहाल अभी बनाते हैं हम फिलहाल यहाँ पे वजू, फिलहाल यहाँ पे मिला है शरबत, फाइनली हम लोगों ने पढ़ लिया नमाज वगैरह जो भी पढ़ना था हमको सब हो चुका है। एंड अभी फिलहाल थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठते हैं एंड बहुत अच्छा माहौल है यार, फिलहाल हम कर रहे हैं इन्जॉय शरबत। तो अभी गाइस फिलहाल देख सकते हो आप, एंड अभी रात होने वाली थोड़ी देर, सारा दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से चांद का और दरगाह का। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, लिटरली सामने है चांद एंड यहाँ है दरगाह, देखो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है नज़ारा। तो अभी गाइस फाइनली हम आ चुके हैं दरगाह से बाहर, देखो कितनी भीड़ हो रही है अभी फिलहाल बाजार में। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं रोल एंड मोमोज। तो अभी गाइस फिलहाल फिर से आ चुके हैं हम लोग होटल से बाहर एंड फिर हमको थोड़ा कुछ लेते हैं खाने का। एंड ये है यहाँ की मार्केट, अभी फिलहाल हम लोग घूम रहे हैं यहाँ के बाजार में। एंड फिलहाल मुझे कुछ लेना भी है, फिलहाल मैं लेके आया था यहाँ पर दाल एंड राइस डिनर करने के लिए,
अपने लिए फिलहाल मैंने लेकर आया था एक रिंग जो कि ये है। अब करते हैं ब्लॉग को एंड, आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। आज हमने काफ़ी कुछ सिखाया हुआ ब्लॉग में, दो दिन का ब्लॉग था हमारे, तो मिलते हैं हम आपको ऐसे एक और नए फ्रेश ब्लॉग में। जब तक के लिए आप सबको बाय, लव यू एंड टेक केयर।